सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तक बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। कनले जी, बात करें अगर दालों की, तो दालों में देख रहे हैं कुछ दालों में नरमी भी है, कुछ दालों में तेजी भी है। आपके अकॉर्डिंग और ज्योतिष के आधार पर दालों में और किन दालों में कैसा रुख रह सकता है? देखिए, उड़द जो है वो सबसे पहले दालों तिलहन के ऊपर, दलहन पर मैं बात करूंगा, चने के ऊपर, क्योंकि चने पर लगभग सभी व्यापारी और किसान बंधु इसकी बड़ी देखभाल होती है, क्योंकि चने ने इसके साथ लिमिट लगने के बाद एनसीडीएक्स के ऊपर चने की रिमूवल के बाद में बड़ी परेशानी आई है। चने के अंदर देखिए, राजस्थानी चने की कीमत यदि हम दिल्ली को इंडेक्स बना लें तो वहां पे 4,900 के भाव आ रहे हैं और मध्य प्रदेश के जो हैं वो करीबन 4,800 के भाव आ गए, जबकि ये पिछले 200 से 300 रुपए की अच्छी तेजी दर्ज हो गई है पिछले कुछ दिनों में। यदि हम कानपुर को भी देख लें तो वहां भी 4,850 रुपए के प्रति क्विंटल है। अकोला मंडी के अंदर भी 4,650 है। बीकानेर राजस्थान से भी खबर 4,850 की आ रही है। तो कुल मिलाकर इंदौर के अंदर भी आप देखें तो वहां भी 4,750 के आसपास के चने के भाव निकलने हैं। और यदि हम थोड़ा सा और इसको विस्तार से समझ लें तो नाफेड ने भी जो एमएसपी के ऊपर जो इन्होंने खरीद की है वो लगभग 13,78,883 टन चने की खरीद कर ली है उसने। और अब चने के अंदर कुछ तेजी बनी रहने की संभावना बनती है। चने के ऊपर भी कब इसमें मुनाफा आएगा, इसमें कितनी तेजी आने की संभावना बन रही है, जो बेसिकली जुलाई महीना इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है, उसके ऊपर विशेष रहेगा। क्या बहुत बड़ी तेजी रहेगी या फिर इसमें ऊपरी स्तर पर जो है उसके ऊपर कुछ मुनाफा ले लेना चाहिए, इसके ऊपर भी हम लोग दलहन के ऊपर आपसे विशेष चर्चा करेंगे एक स्पेशल शो के अंदर, यदि टाइम परमिट करेगा तो। लेकिन कुल मिला के चना के ऊपर थोड़ी सी मजबूती नजर आ रही है। इसके अलावा फिर हम दूसरी चीज है तुअर। तुअर के अंदर भी कुछ तेजी की संभावना बन सकती है कि इसके अंदर जो 6,550 के भाव है लेमन तुअर के वो भी बताए जा रहे हैं। महाराष्ट्र लाइन का माल करीबन 6,450 का है। वर्मा में लेमन तुअर की के $5 की बढ़ोतरी बता रहे हैं, ये $810 प्रति टन पहुंच गई है। इसके अलावा मुंबई को भी हम दलहन बाजार में देखें तो वहां पे तंजानिया की जो मटवारा तुअर है वो भी करीबन 5,350 के भाव प्रति क्विंटल बताई जा रही है। तो गजरी तुअर है वो भी 50 रुपए तेजी की संभावना बन रही है, 50 से 40 रुपए के आसपास 5,350 के ऊपर के भाव आज हो सकते हैं। तो दलहन बाजार के अंदर भी, मुंबई के अंदर भी 6,100 के भाव तुअर के या उससे ऊपर के भाव आज होने की संभावना है। ये एक इम्पोर्टेंट चीज रहेगी। उड़द के लिए जो खासकर जो व्यापारी समझ इसको ध्यान से करते हैं कि खबर आ रही है कि चेन्नई के लिए 500 कंटेनर उड़द लेकर आने वाला जो जहाज है वो जल्द ही रवाना होगा। और जो इंडियन इंपोर्टर्स हैं, इन्होंने वर्मा से उड़द को जो इंपोर्ट किया है उसके 50 कंटेनर एसक्यू का व्यापार वहां पे $800 प्रति टन एफओबी के आधार पर होने की खबर मिल रही है। तो ये सब जानकारियां दर्शकों के लिए लाभदायक हो, ऐसी हमारी भावना है। तो कुल मिला के दलहन बाजार का रुख आज थोड़ा सा तेजी की तरफ ही रह सकता है। आज मूंग की तरफ भी हम देख लें, राजस्थान उत्तर प्रदेश के अंदर वहां भी 200-300 रुपए की तेजी अभी और बन रही है जो बनी है, और जो ये 5,800 से 5,200 के भाव है, और मूंग के अंदर भी तेजी की संभावनाएं बन रही है। ये अखिलेश जी। जी कन्हैया जी, आ गया है कोरोना, घर पर रहने में ही है सबकी भलाई। अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना, बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।